छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बजट पेश हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने विचार रखे। जहां कांग्रेस ने इसे राजनीति नहीं बल्कि नीति आधारित बजट बताया, वहीं भाजपाइयों ने बजट को निराशावादी बताया। गुंडरदेही विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने इसे सर्वांगीण विकास वाला बजट बताते हुए कहा कि इस पूरे बजट में जो है आम आदमी का ख्याल रखा गया है। आइए सुनवाते हैं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी का क्या कुछ कहना है। अभी जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो बजट प्रस्तुत की गई है वो काफ़ी निराशजनक है। यहाँ पर उन्होंने सभी वर्गों, चाहे युवा हो, महिला हो, चाहे किसान मजदूर हो, सभी लोगों को उन्होंने ठगने का काम किया है। जैसा कि हमको एक उम्मीद थी कि बालोद जिले के हिसाब से भी यहाँ के लिंक नहर, मेडिकल कॉलेज एवं कृषि महाविद्यालय के लिए यहाँ पर कुछ हमको इस जिले को प्राप्त होगी, लेकिन यह बजट मात्र छलावा ही साबित हुई है। रूप से जैसा कि कहा गया था कि भरोसे का बजट आने वाला है, ये जो बजट है वो भरोसे का ही बजट है। इसमें बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील के रसोइया, कोटवारों का, ग्राम पटेलों का, सभी का मानदेय बढ़ाया गया है। सबसे ज़्यादा बजट में प्रावधान स्कूल शिक्षा के लिए किया गया है, जिसमें 101 नए आत्मानंद स्कूल खोले जाने हैं।